Bye. Hey guys, it's day 2 in Manali and अभी हम हैं एप्पल ऑर्चर्ड में. ये एप्पल का सीज़न नहीं है तो इसलिए आपको एक पेड़ वीरान से दिख रहे होंगे, लेकिन दिस इज़ एप्पल ऑर्चर्ड ऑफ मनाली. सो दीपक, कैसा लग रहा है आपको अपने न्यू शूज़ में घूमकर? अच्छा लग रहा है. ये शूज़ हमने लिए हैं 100 rupees पर डे फ्रॉम द होटल और ठीक है यार. ये स्पोर्ट्स शूज़, स्नीकर्स, जैसे भी जूते उनमें चल पाना मुश्किल है. हाइकिंग शूज़ वगैरह अपने पास है नहीं. तो लेट्स सी, राइट नाउ वी आर रोमिंग इन द एप्पल ऑर्चर्ड. राइट नाउ वी आर इन एप्पल ऑर्चर्ड और एप्पल ऑर्चर्ड का मतलब होता है सेब के बगान. कई लोगों को शिकायत है कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, तो ये है सेब के बगान. और कई लोग बोलते हैं कि मैं काफ़ी सोच सोच के बोलता हूँ, तो ट्राई करूँगा कि तेज तेज बोलूँ. और लेकिन सोच के तो सभी को बोलना चाहिए यार, क्यों दीपू भाई? सोच के सभी को बोलना चाहिए. अगर लोग सोच के बोलेंगे तो हमारे देश की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. लेकिन ले ठीक है, मैं आपके सजेशंस पर ध्यान दूंगा. दिस इज अ ओल्ड हिमाचली ट्रेडिशनल हाउस आई गेस. हाय ब्रो. हाय ब्रो. ए डॉगो, व्हाट्स अप डॉगी, व्हाट्स अप ब्रो. Snow everywhere. And that's why trees are important, guys. और ये पता नहीं है हम कहाँ चले जा रहे हैं. खैर फिलहाल हमें भी एक नदी तक आ गए और आगे एक छोटा सा रास्ता है. तो अभी हम एप्पल ऑर्चर्ड से वापस जा रहे हैं, एप्पल के बगानों से वापस जा रहे हैं अभी हम लोग. वैसे यहाँ पर कोई दिख रहा है? अभी तक कोई दिखा नहीं ना मैं आता हुआ. कोई नहीं, यहाँ पर हम अकेले ही चले जा रहे हैं बावलों की तरह. And this is a road in old Manali. A lot of cafes. And it's not raining actually. ये जो कल बर्फ गिरी थी वो पिघल रही है, उसकी आवाज़ है ये. Sunshine Cafe. And right now we are going to this Soma Inn Cafe in Old Manali. Right now we are in Soma Inn Cafe Manali. It's a nice place. Thumbs up.
और हालत बहुत बुरी है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं। वी आर गोइंग टू हिडिंबा टेम्पल राइट नाउ एंड ये अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल की तरफ। हिडिंबा है ना। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हिडिंबा टेम्पल गाइज एंड दिस इज द वे टू हिडिंबा टेम्पल फ्रॉम ओल्ड मनाली रोड। This stairs towards Hidimba Temple. Kutch temple. Let's see. Hey guys, तो अभी हम हैं हिडिंबा टेम्पल के पास फॉरेस्ट में। अभी हम लोग हिडिंबा टेम्पल गए थे लेकिन बहुत भीड़ है वहाँ पर, बहुत सारे लोग कैमरा लिए, सेल्फी स्टिक लिए, गिम्बल लिए, ट्राइपॉड लिए, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर चल के जंगल की तरफ आ गए। Hey guys, right now we are in a forest near Hidimba Temple. और Hidimba Temple के पीछे की कहानी यह है कि ये 1553 में बनवाया गया था बाय महाराजा बहादुर सिंह जी। और जो हिडिंबा थी वो वन ऑफ दी जो हिडिंबा थी वो वाइफ थी भीम की, जो पांडव थे भीम की, उनमें से भीम की वाइफ थी हिडिंबा जी। और जब वो लोग यहाँ पर कभी आए होंगे तो यहाँ पर पता चला कि जो हिडिंबा का भाई है हिडिंब, वो सबसे ताकतवर ह्यूमन ऑन अर्थ होने का क्लेम कर रहा है। तो इसलिए फिर उन्होंने भीम जी को लगा होगा कभी चल के देखते, उन्होंने देखा, उन्होंने उसे हरा हुरा दिया, तो इसलिए फिर शादी करी उन्होंने हिडिंबा से। तो जब वो लोग यहाँ से जाने लगे तो हिडिंबा जी को बोला हमारे साथ चलो, तो हिडिंबा जी ने बोला नहीं मैं यहीं पर ही तपस्या करूँगी, तो उनके लिए मंदिर बनवाया गया है। और हिडिंबा जी का और भीम जी का एक बेटा था जिसका नाम था घटोत्कच, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो काफ़ी महान योद्धा के नाम से मशहूर हुए हैं। तो ये थी यहाँ की कहानी। लेट्स रोम अराउंड नाउ। Hey guys, right now we are in a forest near Hidimba Temple and here is the Hidimba Temple. Let's roam around and see the beauty. Nice little forest. Hello people, let's go get some food bro. और अभी बज रहे हैं 10:30 और हम हैं मनाली माल रोड पे और यहाँ चल रहा है तंबोला। दीपक क्या चल रहा है यहाँ पर? तंबोला। और अभी दीपक और मैं डिनर वगैरह कर जा रहे हैं अपने रूम पे, और यहाँ से हमारा रूम है अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर। डिनर करने के बाद अभी वापस हम अपने हॉस्टल में पहुंच चुके हैं। दिस इज आवर हॉस्टल बैकपैकर्स हेडक्वार्टर्स। बैकपैकर हेडक्वार्टर्स।
एंड दिस इज द टेरिस ऑफ आवर हॉस्टल गेस्ट हाउस व्हाटएवर यू कॉल इट।